हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप साहू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एचीवर्स आईसीएसई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एसीएफ परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे थे अंतरिक्ष विज्ञान। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास के बारे में बताया, तो आज उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में सन 1962 में एक इंकोस्पास समिति का गठन किया गया। इंकोस्पास समिति के गठन के उपरांत ही केरल में 1963 में तुम्बा इक्विटोरिया रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का काम शुरू हुआ और 1963 में ही भारत द्वारा पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाची प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद 1962 में इसके गठन के उपरांत 1969 में 15 अगस्त 1969 में इंकोस्पास समिति का पुनर्गठन कर इसे इसरो बनाया गया। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 1972 के दशक में अर्थात 1970 के दशक में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। इसी प्रकार हम देखते हैं जो 1970 से 1980 का दशक है वो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1970 के दशक में ही 1975 में सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। उसके बाद 1970 के दशक में ही भास्कर प्रथम लॉन्च किया गया और 1980 में भारत द्वारा पहला रोहिणी RS-1 जो कि भारत के श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। या इस 1980 के सफल परीक्षण के बाद भारत अंतरिक्ष क्लब का छठा मेंबर बन गया। इस प्रकार अगर आपको इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस चैप्टर का पहला वीडियो जरूर देखिए। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी जितनी संस्थाएं हैं या इसरो से जुड़ी जितनी संस्थाएं हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसरो। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। अब देखते हैं इसरो का काम क्या है। यह अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी जितनी भी नोडल एजेंसियां हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करती हैं, सभी की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है और सभी संस्थाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ISAC, इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। और एक है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। तो देखते हैं जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसका मुख्य कार्य है कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना। उपग्रहों का निर्माण करना
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में और यह जैसे कि इसके फुल फॉर्म से समझ में आता है नेशनल एटमॉस्फेरिक मतलब यह वायुमंडलीय अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का काम करता है। उसके हम लोग अगला देखते हैं NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका मुख्यालय हैदराबाद में और यह जो दूरसंवेदी उपग्रह है उनसे डाटा कलेक्ट करने का कार्य करता है। इस संस्था के हेल्प के लिए भारत में 6 और अन्य संस्थाएं कार्य करते हैं, उसे देखते हैं हम लोग। जो उत्तर में कार्य करेगा उसे कहेंगे नॉर्दर्न रीजन रिमोट सेंसिंग सेंटर, दक्षिण में जो कार्य करेगा उसे कहेंगे सदर्न रीजन रिमोट सेंसिंग सेंटर, पश्चिम में जो कार्य करेगा उसे कहेंगे वेस्टर्न रीजन रिमोट सेंसिंग सेंटर, पूर्व में जो कार्य करेगा उसे कहेंगे ईस्टर्न रीजन रिमोट सेंसिंग सेंटर और जो मध्य में कार्य करेगा उसे कहेंगे सेंट्रल रीजन रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक, उत्तर में जो कार्य करेगा उसे नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो सेंटर वाले का मुख्यालय है नागपुर में, उत्तर वाले का मुख्यालय है देहरादून में। उसी प्रकार वेस्टर्न वाले का मुख्यालय है जोधपुर में ईस्टर्न वाले का मुख्यालय है खड़गपुर में और सदर्न वाले का मुख्यालय है बेंगलोर में। इस प्रकार लास्ट में इसका एक और है नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका मुख्यालय है मेघालय के शिलांग में। इस प्रकार रिमोट सेंसिंग उपग्रह के माध्यम से हम कहाँ पे कौन सी खनिज है इसका पता करते हैं और यह NRSC की हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इसका कार्य है प्रक्षेपण यानों का निर्माण करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज या इसी का एक और नाम है श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है कि आप लोग को इंस्टीट्यूट से समझ आ रहा होगा कि यह एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कराने का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की उपाधि प्रदान करता है। उसके बाद हम देखेंगे LPSC लिक्विड
प्रोपल्शन स्पेस सेंटर, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और यह द्रव ईंधन बनाने का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है। और IIST का मुख्यालय आपके हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग क्षेत्र में शोध कार्य करने का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी व्यावसायिक लेन देन की जाती है वो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाती है। इस प्रकार अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि 2018 के PSC में पूछा गया था कि IIRS कहाँ है, तो इसका आंसर है देहरादून। और यह मेजर कॉलम में भी आ सकता है या वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उससे आपको सेलेक्ट करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग ने देखा इसरो, इसरो जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। उसके बाद हम लोग देखा इसाक और SAC, यह बेंगलोर में है और यह अहमदाबाद में है। इसका मुख्यालय है कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना। का निर्माण करना। उसके बाद हम लोग देखा VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है और इसका कार्य है प्रक्षेपण यानों का निर्माण करना। उसके बाद हम लोग देखा HDSC या इसी को बोलते हैं श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, यह आंध्र प्रदेश में है जहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखा NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके और 6 रीजनल संस्थाएं हैं। उसके बाद हम लोग देखा IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको एयरो स्पेस में आगे पढ़ाई करना है तो आप यहां जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखा IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो दूरसंवेदी उपग्रहों को डाटा कलेक्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद एक और है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो कि भोपाल में है और कर्नाटक के हसन में है। इसका कार्य है जितने भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं सभी उपग्रहों के ऊपर नियंत्रण रखना कि कब कौन से उपग्रह को कौन से कक्षा में ट्रांसफर करना है, कौन से उपग्रह को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, यह पूरा कार्य करता है। उपग्रहों को नियंत्रित करना। ठीक है, अब इसके ऊपर होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिस चीज़ का स्थापना की गई थी 1972 में, और स्पेस कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 1972 में ही। और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मुखिया होते हैं देश के प्रधानमंत्री।
ये जो देश के प्रधानमंत्री वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपके एशिया पेपर में पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान परिषद के मुखिया कौन होते हैं। उसमें सही प्रकार का ऑप्शन दिया गया था, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री दिया गया था और यही इसका महत्वपूर्ण सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रक्षेपण यानों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले आपको बता दूं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब अर्थात ऐसा व्हीकल जो उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करता है उसे कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये भारत द्वारा बनाया गया था और 1980 में इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया, 13 अप्रैल 1980 में। और रोहिणी RS-1 को तोनी आरएस वन उपग्रह को इस प्रक्षेपण यान SLV-3 के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तो देखते हैं SLV-3 के बारे में। तो SLV-3 प्रक्षेपण यान है, यह 22 मीटर ऊंचा और 70 टन वजन का प्रक्षेपण यान है और इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के माध्यम से हम निम्न कक्षा में उपग्रह को स्थापित कर सकते हैं। और इसकी क्षमता के हिसाब से 40 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला वर्जन, इसे कहते हैं PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थात ऐसा व्हीकल जो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करे उसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो पृथ्वी के ध्रुव की परिक्रमा करे, जैसे पृथ्वी में 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, यह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पृथ्वी के ध्रुव की परिक्रमा करता है ऐसा करके। इस प्रकार हम लोग देखते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 4 चरण होते हैं इसके पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है और दूसरे और चौथे में द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। द्रव ईंधन के रूप में यहाँ पे N2O4 या डाईमिथाइल हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। डाईमिथाइल हाइड्रोजन का इसमें प्रयोग करते हैं। यह 1750 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को 600 किलोमीटर ऊंचाई तक
पृथ्वी की तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है और PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से IRS श्रेणी के बहुत सारे उपग्रह को लॉन्च किया गया, इसलिए इसे वर्क हाउस ऑफ इसरो का खिताब दिया गया है ठीक, यहाँ तक देख लिए। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग इसका और एडवांस वर्जन, इसे कहते हैं GSLV अर्थात जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें तीन चरण होते हैं। पहले चरण में ठोस ईंधन का, दूसरे चरण में द्रव ईंधन का और तीसरे चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है और इसके माध्यम से हम उपग्रह को पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्रायो शब्द का मतलब देखते हैं। क्रायो जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है अत्यंत निम्न ताप अर्थात बर्फ जैसा ठंडा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम इस इंजन में कुछ भी ईंधन के रूप में यूज करेंगे तो उसे अत्यंत ही निम्न ताप पर रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। इसको ऊपर लिख देता हूं। क्रायोजेनिक इंजन इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका अर्थ होता है अत्यंत निम्न ताप। इसके लिए हम लोग इस इंजन में ईंधन के रूप में हम लोग द्रव हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग द्रव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। द्रव हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और उसी पे का द्रव ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। और द्रव हाइड्रोजन का उपयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है और इसकी ऊष्मा दक्षता भी बहुत अधिक होती है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग करने से जो क्रायोजेनिक इंजन है इसे बहुत ही ज़्यादा स्पीड मिलती है और यह 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करने लगता है। और द्रव हाइड्रोजन के उपयोग होने से चूंकि बहुत हल्का तत्व है इस नाम से इंजन का भार भी ज़्यादा नहीं होता, ऊष्मा दक्षता अधिक होती है। और सबसे हल्का तत्व है। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा विश्वक संस्थाओं के बारे में और प्रक्षेपण यानों के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि SLV जिसमें त्रोणी RS-1 को लॉन्च किया गया था, जो भारत की धरती से लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था।
और SLV 3 में चार चरण चरण वाले होते हैं, उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। और SLV 3 40 किलोग्राम भार वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा PSLV, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थात ऐसा लॉन्च व्हीकल जो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करे और हमें जानकारी उपलब्ध कराए, उसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो 1750 किलोग्राम भार वाले उपग्रहों को सूर्य की तुल्यकालिक कक्षा में अर्थात 600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक के कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यह IRS श्रेणी के बहुत सारे उपग्रहों को लॉन्च किया गया, इसलिए उसे इसरो द्वारा वर्क हाउस ऑफ इसरो का खिताब दिया गया। उसके बाद हम लोग देखा कि GSLV, इसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या बहुत ही शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है और इसके माध्यम से हम लोग उपग्रह को पृथ्वी की भूस्थिर कक्षा में स्थापित कर सकते हैं, जिसकी ऊंचाई होती है लगभग एग्जैक्ट में इसका 35,786 किलोमीटर, या इसे नियर अराउंड 36,000 किलोमीटर तक होता है, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव हाइड्रोजन को कितने टेम्परेचर में रखते हैं कि वह क्रायोजेनिक इंजन के लिए उपयोग किया जा सके, और द्रव ऑक्सीजन को किसके रूप में उपयोग करते हैं कि ऑक्सीडेंट के रूप में, और उसे कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का स्पीड कितना होता है, और हाइड्रोजन का उपयोग क्यों करते हैं। तो आप बताएंगे उसमें कि हाइड्रोजन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी ऊष्मा दक्षता अधिक होती है और वह सबसे हल्का तत्व होता है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग इसके कक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि तीन कक्षाएं होती है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।